नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव और मैं हूं आशुतोष। उपेंद्र कुशवाहा ने आज अपने चार लोकसभा सीटों पर प्रत्याशियों के नाम की घोषणा कर दी है। उपेंद्र कुशवाहा को कुल 5 लोकसभा सीटें दी गई थी महागठबंधन के तरफ से चुनाव लड़ने के लिए, जिसमें जमुई पर वो पहले भूदेव चौधरी का नाम की घोषणा कर चुके थे। भूदेव चौधरी के नाम की उसका 4 सीटें बची हुई थी जिस पर प्रत्याशियों के नाम की घोषणा नहीं हुई थी, और वो 4 सीटें थी मोतिहारी, बेतिया, उजियारपुर और काराकाट। काराकाट से स्पष्ट था कि उपेंद्र कुशवाहा खुद चुनाव लड़ेंगे, लेकिन जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है और जो सिटी पोस्ट लाइव पहले आपको दिखा चुका है, वो खबर यह है कि उपेंद्र कुशवाहा काराकाट के अलावा उजियारपुर लोकसभा सीट से भी चुनाव लड़ेंगे। सिटी पोस्ट लाइव ने यह पहले ही आपको यह खबर दिखा दिया है और लगभग हमारे खबर पर आज उपेंद्र कुशवाहा ने जब उनकी पार्टी ने जब इस बात की औपचारिक घोषणा की तो हमारे खबर पर मुहर लग गई। इसके अलावा जो सबसे बड़ी खबर सिटी पोस्ट लाइव ने ठीक 2 दिन पहले आपको दिया था कि आकाश सिंह, जो कि अखिलेश प्रसाद सिंह कांग्रेस के सांसद हैं, उनके पुत्र हैं, उनको मोतिहारी से टिकट दिया जा सकता है, और हुआ भी ठीक वैसा। सिटी पोस्ट लाइव की खबरों पर फिर एक बार मुहर लगी और उपेंद्र कुशवाहा ने आरएलएसपी की तरफ से, महागठबंधन की तरफ से, बेतिया लोकसभा सीट से आकाश सिंह, जो कि अखिलेश प्रसाद सिंह कांग्रेस सांसद हैं, उनके पुत्र हैं, उनको अपना प्रत्याशी बनाया है। इसके अलावा मैंने पहले बता दिया है आपको कि उजियारपुर और काराकाट से चुनाव लड़ेंगे उपेंद्र कुशवाहा। इसके अलावा आपको सिटी पोस्ट ने बताया था कि जो बेतिया सीट है वहां से कुशवाहा समाज के ही प्रत्याशी को उपेंद्र कुशवाहा उतारेंगे, और हुआ भी ऐसा ही। ब्रजेश कुशवाहा को टिकट मिला है वहां से, यानी कि राजन तिवारी का जो दावा था कि उपेंद्र कुशवाहा से उनकी बातचीत चल रही है, राजन तिवारी को उपेंद्र कुशवाहा से निराशा हाथ मिली है और ब्रजेश कुशवाहा को वहां से टिकट दिया गया है। यानी कि 4 सीटें इस तरीके से है, उपेंद्र कुशवाहा उजियारपुर और काराकाट से लड़ेंगे। अब देखिए, उजियारपुर से भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष नित्यानंद राय चुनाव लड़ रहे हैं, तो सीधा सीधा नित्यानंद राय वर्सेस उपेंद्र कुशवाहा की चुनौती होगी। चुनाव परिणाम बेहद दिलचस्प होगा, चाहे जो भी जीते, इंतजार रहेगा कि कौन जीतता है सीट से। इसके अलावा काराकाट से वो चुनाव लड़ेंगे क्योंकि वहां से वो वर्तमान में सांसद भी है। बेतिया सीट ब्रजेश कुशवाहा को गई और आकाश सिंह को, जो अखिलेश प्रसाद सिंह के पुत्र हैं, उनको टिकट मिला है मोतिहारी से। माधव आनंद को लेकर के मोतिहारी सीट पर बहुत विवाद चला था, कई आरोप लगे, नागमणि ने तो कई गंभीर आरोप लगाए थे, जो उपेंद्र कुशवाहा के पूर्व सहयोगी थे, आरएलएसपी के पूर्व कार्यकारी अध्यक्ष, तो कई तरह के माधव आनंद को लेकर के कई तरह के आरोप लगाए गए थे उपेंद्र कुशवाहा के। माधव आनंद का नाम भी चल रहा था मोतिहारी सीट से, लेकिन उनको टिकट नहीं मिला और टिकट अंततः गया आकाश सिंह को, जो कि अखिलेश प्रसाद सिंह कांग्रेस के सांसद उनके बेटे हैं। तो इन तीनों खबरों को सिटी पोस्ट लाइव ने पहले ही आपको दिखा दिया था और 2 दिन पहले ही आपको दिखाया था कि आकाश सिंह को मोतिहारी से बकायदा उम्मीदवार बनाया जाएगा राष्ट्रीय लोक समता पार्टी का, और हुआ भी ठीक वैसा ही। तो एक बार फिर सिटी पोस्ट लाइव के खबरों पर मुहर लगी है। आगे जैसे ही और भी कोई पॉलिटिकल अपडेट आता है, हम सबसे पहले आप तक पहुंचाएंगे। तब तक के लिए देखते रहिए, पढ़ते रहिए सिटी पोस्ट लाइव, और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। नमस्कार।